थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा उतार के मेरे पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली एंड एट अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पर किया अपना पर किया और अपना कल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा, आर्मी अथॉरिटीज़ एंड मीडिया एंड एम्स, उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी। दैट इज़ द रीज़न अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इन टू जेल 15th को रात को अराउंड 1 o'clock 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बच बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉज करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए, उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक दो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के ज़ोर से खींच खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज़ स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा उतार के मेरे पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पर किया अपना पर किया और अपना कल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। That's it, please, please, please. जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।